हे फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? हो यू क्वारंटाइन लॉकडाउन एंड लाइफ इज गोइंग ऑन एंड आई होप यू गाइस आर कीपिंग सेफ और आप सब चुस्त दुरुस्त होंगे। सोचा आपको थोड़ा और एंटरटेन किया जाए इस क्वारंटाइन के माहौल में, तो आज मैंने सोचा कुछ आपको ऐसा सुनाए जो शायद आपको अच्छा लगे। So, पेशे खिदमत है मिस्टर बच्चन के कुछ फेमस डायलॉग्स मेरी आवाज में। आई होप यू गाइस गोना लाइक इट। सो इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि आपको यह बताना है कि कौन सा डायलॉग या मैंने कौन कौन से फिल्म के डायलॉग इस वीडियो में बोले हैं। देखते हैं आप कितने अच्छे फैन हैं मिस्टर बच्चन के। वैसे दुनिया मिस्टर बच्चन की फैन क्यों है? सो हियर इट गोज। सोनिया सोनिया सोनिया, डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन इतना समझ लो सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नेक्स्ट, आज खुश तो बात हो गई तुम, वो जो तुम्हारी कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो जिसने कभी तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके, वो खुद आज खुश तो बात होगी तुम। नेक्स्ट, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का सुहासिनी चौहान, गांव मानवा, उम्र 34 साल 6 महीना और ये सोलह घंटा चल रहा है। नेक्स्ट, सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम, ओए मेरा नाम बादशाह खान, ओए इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, हाँ वही मोहब्बत जिसके खातिर बच्चों ने पहाड़ का सीना चीर कर दूध की नदियां बहा दी, उसी मोहब्बत की खातिर कब उनका ये पठान तुझसे मोहब्बत की खैर मांगने आए, आजमाइश तकड़ी है मगर हौसले बुलंद, अगर रोशनी हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में चरा चलते हैं खुदा। नेक्स्ट, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि मैं कुछ काम ऐसे करता हूं कि जिन्हें कानूनी नहीं कहा जा सकता, वो इसलिए कि मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूं, फिर चाहे वो समाज के खिलाफ हो, पुलिस सिस्टम या भगवान के खिलाफ क्यों ना, मैं वो काम नहीं करता। ड्रग्स का धंधा या नहीं होगा, और सुन तुझे भी करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वन, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितना हंसती, तुम उस बात पे कितना हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शायद आप हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरसू भी नहीं, ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग,
भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, लो कर लो बात, अरे सारी तुझे शर्म नहीं आई, तू से किरोड़ी मल की मूछों में जाके बैठ गई, क्या मैसूर का जंगल समझा है? आए आए तो गाइस कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट। नमस्कार।